बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, हजारीबाग में सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यहां श्वेत भिखारी मेडिकल अस्पताल में भर्ती कैदी मोहम्मद शाहिद अंसारी ने सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी योको चौहान की हत्या कर फरार हो गया। बता दें कि इस घटना के बाद अफरा तफरी फैल गई। घटना के बाद पूरे पुलिस प्रशासन एक महकमे में हड़कंप मच गया है और घटना की सूचना पाते ही हजारीबाग डीसी नैंसी सहाय, एसपी अरविंद कुमार सिंह, वहीं सदर एसडीपीओ कुमार शिवाशीष समेत कई पुलिस के वरीय अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे हैं। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी की हत्या कर फरार होने वाला कैदी था और उस पर हत्या के कई मामले बोकारो में दर्ज बताए जाते हैं। बता दें कि कुछ दिनों में उसका इलाज हजारीबाग श्वेत भिखारी मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। तो डीसी एसपी एसडीपीओ मौके पर पहुंचे, ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हजारीबाग में अस्पताल से इलाजरत कैदी फरार हो गया। श्वेत भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कैदी वार्ड में था भर्ती। तो हजारीबाग से खबर, जहां पुलिसकर्मी की हत्या कर भागा कैदी। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधे फोन लाइन पर, उनसे हम इस मामले में अधिक जानकारी लेते हैं। देखिए फलक, हजारीबाग से बड़ा मामला सामने आ रहा है जहां पर एक कैदी हत्या कर फरार हो जाता है और सुरक्षा की पूरी निगरानी के बीच ये मामला होता है। फलक, हजारीबाग केस बीएमसीएच से निकल करके आई है, जहां शहजाद नामक जो अपराधी यहां पर हजारीबाग के सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था, उसे अस्पताल में, उसकी तबियत नासाज थी, तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था कैदी वार्ड में। और इसी दौरान मौका पाकर एक पुलिस जवान की हत्या कर वो फरार हो जाता है। देखिये, सूत्र जो बताते हैं कि ये जो कैदी है शहजाद, ये धनबाद का रहने वाला बताया जा रहा है और कई हत्या का मामला इस पर दर्ज है। और ऐसे में आज एक पुलिस जवान की हत्या कर वो फरार हो जाता, तो कहीं ना कहीं पुलिस महकमे के लिए एक बड़ा चुनौती ये निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि जैसे ही जानकारी मिली हजारीबाग एसबीएमसीएच में, हजारीबाग पुलिस कप्तान सहित कई पुलिस अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, मामले की छानबीन में जुट गए हैं। फिलहाल जो मृतक पुलिस जवान है, उसके शव को मॉर्चरी में रख दिया गया है। हालांकि पुलिस के द्वारा अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी बयान सामने नहीं आया। बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि सुरक्षा की निगरानी में वो कैदी था और ऐसे में कैसे वो अपने इस मकसद में कामयाब हुआ? क्या अन्य पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं थे? देखिए, जाहिर तौर पर पूर्णिमा, लेकिन देखिए सबसे दुखद ये बात है कि सुरक्षा के चाक चौबंद जरूर थे और ये सुरक्षा कर्मी की ही हत्या करके फरार हो गया। ऐसे में सुरक्षा पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं जो है वो जल्दबाजी होगा। अब इस पूरे मामले में पुलिस मॉनिटरिंग चल रही है और देखना होगा कि आखिर वो किस वक्त भागने में कामयाब रहा और इस पूरे घटना को रात के किस वक्त वो जो है वो अंजाम दिया, क्योंकि देखिए अस्पताल परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए होते, तो कहीं ना कहीं अब सीसीटीवी कैमरे को पुलिस खंगालेगी और इस पूरे मामले से जो है वो जल्द ही पर्दा उठ जाएगा। जी पूर्णिमा जी, फलक धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, हजारीबाग से ये बड़ा मामला जहां पर एक कैदी सुरक्षा कर्मी की हत्या कर फरार हो जाता है। अस्पताल में इलाजरत था कैदी और इस दौरान देखिए सुरक्षा कर्मी पर ही हमला कर उसकी हत्या कर कैदी वार्ड से फरार हो जाता है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस उसकी जांच में जुटी हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।